हेलो फ्रेंड्स, तो आज पास आपसे के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहली न्यूज अमित बराना की तरफ से, तो उनका एक सॉन्ग आने वाला है 2021 में, वो थोड़ा सा और डिले होगा, उसी के बारे में अपडेट है। वो ये बोले हैं, आप भी सुनिए वो क्या बोले। बात ये है कि जो 1 तारीख को गाना आना है वो 1 जनवरी को शायद ना आ पाए, वो थोड़ा और आगे जाए उसकी डेट। मुझे नहीं पता यार, मैं कोई मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ कहना ही नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं माफी चाहता हूँ, तो मुझे माफ कर दो। बस क्या बोलूँ मैं, अब मैं अभी गाना बन के तैयार है, मैंने सुना है और बहुत अच्छा गाना है। प्रॉब्लम वीडियो के कॉन्सेप्ट में, जो मैं सोच रहा हूँ वो टाइम इतना ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है कि वीडियो शूट करने वाले हैं वो ही बोल रहे हैं कि लगभग लगभग भाई टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि फरवरी मार्च इतना टाइम नहीं, लेकिन जनवरी में ही, लेकिन मुझे नहीं पता कब क्या कैसे। और मेरे को अगली न्यूज है भुवन बाम की तरफ से, तो उनके चैनल पे बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आया है, तो उसी के बारे में अपडेट देते हुए वो ये बोले हैं। तो अभी बीते कुछ दिनों से, काफी दिनों से इनफैक्ट, मैं कुछ भी अगर यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता हूँ, तो लोगों का एक ही कमेंट आता है कि अगला वीडियो कब आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगला वीडियो कब आएगा। तो मैं एक बात यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सबको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, पिछले 30 दिनों से शूट कर रहा हूँ, और जो मैं शूट कर रहा हूँ ये एक लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ है, और ये एक लेवल अप है जो मैं अभी तक करता आया हूँ उससे। जो मैं चीज़ अभी शूट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बम्बई में हूँ, जिसके लिए मैं दिल्ली में शूट कर रहा था, वो चीज़ मैंने 2018 में लिखी थी, 2018 की शुरुआत में लिखी थी, और 2 साल से उसको मैं लिख रहा हूँ, और फाइनली अब मैं उसको शूट कर पा रहा हूँ। इसीलिए शायद वीडियो आने में देर हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मैं डालने के लिए, क्योंकि महीने में 1-2 वीडियो डालनी होती है, तो कुछ भी डाल दूँ, वो मैं रिस्क क्यों लूँ, मैं आप लोगों को ग्रांटेड क्यों लूँ, मेरे को उस गली जाना ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बीबी के वाइंस के फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको इंतज़ार रहता है मेरी वीडियोस का, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, नया एपिसोड आ जाएगा। लेकिन अभी मैं वो कर रहा हूँ जिसके लिए ये सब हुआ था, जिसके लिए ये सब शुरू। अगली न्यूज आशीष चंचलानी की तरफ से, तो उनके रिलेटेड एक फेक न्यूज फैलाया जा रहा था, तो उसे वो क्लियर करते हुए ये स्टोरी पोस्ट की थे, तो अभी देखिए वो। हेलो गाइज, हमारे कुछ स्क्रीनशॉट फैल रहे हैं, तो मैं सोचा कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये है मेरा ऑफिशियल चैनल आशीष चंचलानी वाइंस, ऑफिशियल चैनल है मेरा, ठीक है सर। एंड ये है ट्रैफिक सोर्स, मतलब कहाँ कहाँ से व्यूज आए मुझे, ऑर्गेनिक व्यूज। तो मैं इधर कुछ देख रहा हूँ, एक टैग है YouTube एडवर्टाइजिंग, लेट्स सी मैंने कितने व्यूज खरीदे हैं, 0.0%। मैं तो मिनिमम 100% तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना यार, पेड है, ऐसे कैसे यार। स्क्रीनशॉट जो ट्विटर पे किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है, ट्रू। हेलो गाइस, सस्ता बिग बॉस को कंप्लीट हो चुका है 1 हफ्ता, एंड 1 हफ्ते में इसे मिले हैं 27 मिलियन पेड व्यूज। And the first person that I want to thank from the bottom of my heart is money. पैसे में बहुत ताकत होती है। आज मुझे विश्वास आ गया, पैसा सब कुछ है। In fact, हमने अपना करियर बनाया ही पैसों पे है। हम सब कुछ खरीदते हैं। फैंस का प्यार क्या होता है? फैंस कौन होता है? लॉरिया मेरा फैंस का प्यार, पैसा ही तो सब कुछ है। तो मुझे खुशी है कि पैसे ने मेरी मदद की, सो थैंक यू पैसा। Also guys, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बुरा मान जाऊंगा अगर आपने मेरे लिए नहीं किया, अगर आपको जिंदगी में कभी एक इंसान की 6 साल के करियर की मेहनत और एक ट्विटर पे रैंडम स्क्रीनशॉट जो पूरा क्रॉप्ड है, जिसपे पूरी डेस्कटॉप की भी स्क्रीनशॉट नहीं है, अगर आपको इनमें से चूज करना पड़े तो प्लीज स्क्रीनशॉट चूज करना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, डू सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।